ये थोड़ा सा प्रेशर वीक हो जाता है, इसके अपडेट करेंगे, अच्छा स्प्रिंग को अपडेट करेंगे, सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा ऑयल देख लो दोस्तों कितना काला निकल रहा है, काला बिल्कुल एकदम। जितने स्क्रेच आएंगे ना उतना ही मोटा तेल डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा अभी भी इतना प्रेशर ज्यादा वो नहीं है इसमें। स्पीड ब्रेकर्स में बहुत ज्यादा नीचे से लगती थी ये बाइक और स्टैंड। सो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेडियो एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। तो जैसा आपने टाइटल देखा कि जो मेरी एक्स ब्लेड है उसके पीछे का शॉकर मैं रिपेयर करा रहा हूँ। एक्चुअली ये दूसरा मैंने चेंज कराया था, एक बार ख़राब हो चुका था टॉप बॉक्स लगाने की वजह से, और ये दूसरा शॉकर है, ये तीसरी बार ख़राब हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिपेयर कराऊँ, क्योंकि नया जो है वो 3,500-4,000 के आसपास का इसका शॉकर है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बस अड्डे की तरफ, एक बहुत ही फेमस शॉकर वाले भैया हैं, इकबाल शॉकर्स के नाम से है, उनके यहाँ पे हूँ। आगे के फ्रंट शॉकर भी मैंने इन्हीं से कराए थे, बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने, और अभी पीछे के शॉकर भी मैं इन्हीं से ही करवा रहा हूँ। लीकेज वगैरह कुछ नहीं है शॉकर में, बस ये हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने ऑफ रोडिंग में स्पीति जब मैं गया था तो वहाँ पर बहुत मतलब हाई स्पीड में चलाई थी, बहुत ही बेकार रोड पर, तो जिसकी वजह से वो सारे बैठ गए हैं पीछे के शॉकर। तो अभी देखो वो रिपेयर हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने में रिपेयर हुए हैं और क्या क्या उसमें रिपेयर हुआ है, क्या चीज़ उसमें दिक्कत आई है, भैया सारी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये अपना शॉकर जो है खुल चुका है, बस इसके अंदर से निकालने की वो है। तो ये है मोनो शॉकर जो सिंगल शॉकर होता है उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ ख़राब निकली है, जो भी है भैया से एक बार पूछेंगे। तो भैया इसमें बेसिकली क्या ख़राबी है आप बता सकते हैं इसमें? इसमें जो है ना स्प्रिंग जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता। अच्छा, इसकी वजह से जो है डाउन होने लगता। अच्छा, ये होती है। तो ये भरा भी ये थोड़ा सा प्रेशर वीक हो जाता है, इसके अपडेट करेंगे। अच्छा, स्प्रिंग को अपडेट करेंगे, सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हो गए ओपन। अच्छा, इसके अंदर भी स्प्रिंग होती है। ऑयल देख लो दोस्तों कितना काला निकल रहा है, काला बिल्कुल एकदम, तो बेकार ही हो गया वो ऑयल। एक छोटे से शॉकर के अंदर कितनी कितनी चीज़ें होती हैं आप देख सकते हो, कितनी चीज़ें तो भाई ने निकाल दी और अभी देखो कितनी चीज़ें निकलनी बाकी है अंदर से। तो ये देख रहे हो दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से निकले, ये अंदर भी स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग का कुछ है, और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये बाहर की चीज़ है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, पता नहीं को कैसे पता लगता है कि इन सब चीज़ों को इस तरीके से लगाना है क्या है। खैर ये तो एक्सपीरियंस की बात होती है, बट फिर भी आप देखो कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है हम जैसे लोगों के लिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। ज़्यादा वो नहीं कर सकते, दिक्कत आ जाएगी, टाइट हो जाएगा। अच्छा, मतलब ज़्यादा ये वाला नया डालेंगे? नहीं, मोटा है ना ये। अच्छा, मोटा है। नहीं नहीं, आपने वही वाला डाला ना, थोड़ा सा वो डाला। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना पिस्टन, हाँ, अगर इस पर जितने स्क्रेच आएंगे ना उतना ही मोटा तेल डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अभी भी इतना प्रेशर ज़्यादा वो नहीं है इसमें, हल्की सी कमी है तो उसे हल्का सा मोटा कर दिया। ठीक, फिलहाल इसके अंदर जो चीज़ डलनी थी ऑयल वगैरह सील वगैरह जो चीज़ डलनी थी वो भैया ने डाल दी और परफेक्ट हो चुका है। ऊपर से इसके जो भी पार्ट्स हैं वो इसमें लगेंगे और फिर ये अब जाके अपनी बाइक में फिट हो जाएगा, तब देखते हैं कि कितनी ऊंची हुई है और कितना इसका शॉकर ठीक हुआ है। मेन मोटिव इसका सही कराने का मेरा ये था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे बैठ चुका था और जब कोई पीछे बैठता था तो बहुत ज़्यादा बाइक जो है नीचे हो जाती थी और स्पीड ब्रेकर्स में बहुत ज़्यादा नीचे से लगती थी ये बाइक और स्टैंड लगाने में भी बहुत दिक्कत आती थी मेरे को। जब ये सही हो जाएगा तब एक बार देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये सही हुआ है और आप भी यहाँ से जो है सही करवा सकते हो अपना शॉकर जो भी है, भले ही एक्सप्लेट का ना हो, किसी भी बाइक का हो, मोनो शॉकर जो भी होता है। मैं फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी है, बाकी मैं भैया की दुकान का भी एड्रेस आपको दे दूंगा। A few moments later. तो फाइनली अपना जो पीछे का शॉकर है वो ठीक हो चुका है, बाइक जो है काफी ऊंची हो चुकी है पहले के मुकाबले, ठीक भी लग रही है चलाने में। बाकी जो मैंने काम करा है यहाँ से करा है, एक बार शॉकर वर्क, ये आपको क्या कहते हैं बस अड्डे की तरफ मिल जाएगी, सिहानी गेट, ये जो बस अड्डे वाला थाना है उसके सामने वाली गली में आप देख सकते हो कुछ ऐसा एरिया है। बाकी इन भैया ने कि भैया थैंक यू सो मच, और मैंने आगे के शॉकर भी भैया से कराए थे, बहुत बढ़िया चल रहे हैं अभी तक, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो बाकी चलो अब मैं चला के आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बाकी मेरे को बहुत टाइम से ये चीज़ करवानी थी लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा था। हाँ यही है, फ़ोटो खींच लो, सब कर देना सब्सक्राइब सब, ठीक है। चलो चलो जी चलते हैं,
और बाइक जो है काफ़ी ऊंची ऊंची सी महसूस हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है। नहीं तो पीछे से ऐसी दबी दबी सी हो रही थी कि बस पूछो मत। बाकी चलो एक काम तो कंप्लीट हो गया बाइक का, और अभी इसमें क्या कहते हैं इसके झूले के पूछ और क्या कहते हैं टायर का काम और होना है। पहले क्या हो रहा था, पहले इसकी शॉकर की सेटिंग फुल पे थी और पैर जो है ना आराम से नीचे टिक रहे थे मेरे। अब जो है थोड़ा सा टो पे आ चुका हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ इसकी जो जो हाइट है वो पहले जैसी इंक्रीज़ हो गई है, अच्छा लग रहा है। हाई ने जो है उसमें ना थोड़ा सा एक वार्सल भी लगाया है ताकि उससे थोड़ी सी हाइट इसकी और इंक्रीज़ हो गई है। तो अब कोई भी स्पीड ब्रेकर में ये नीचे से अटकेगी नहीं और ये स्टैंड पे भी इजीली खड़ी रहेगी। नहीं तो मेरे को स्टैंड लगाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी इसमें। चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।